नंबर 9, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर 9। आज हम बात करेंगे नंबर 9 के लिए। नंबर 9 किसका है? मंगल देव का। मंगल है या दंगल वो हम आगे देखेंगे। नंबर 9 वाले व्यक्ति बहुत अग्रेशन, बहुत एनर्जी। तो अब ये देखते हैं नंबर 9 सबसे लास्ट है, ये आखिरी है या शुरुआत है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में नंबर 1 मंगल का नंबर से वहीं से शुरू होती है, वहाँ से मंगल शुरू होते हैं और यहाँ ख़त्म होते हैं। नंबर 9 वालों में कुछ कुछ बातें सारे नंबरों की मिक्स होती है। इनके अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत सी बुराइयाँ भी होती हैं। सब नंबरों से थोड़ा थोड़ा कुछ ले लेते हैं ना, आखिरी नंबर हैं तो सब नंबर इनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह दे देते हैं। नंबर 9 वालों को स्पोर्ट्समैन होते हैं, जर्नली नंबर 9 वाले ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन नंबर 9 वाले होते हैं। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो लगनी चाहिए ना, भागने में, दौड़ने में, और इनके लिए स्पोर्ट्स ही सबसे अच्छी फील्ड रहती है। अगर इनको ऊंचाइयों तक जाना है, पहलवानी करना, एथलीट बनना, नंबर 9 वाले होते हैं, क्रिकेटर नंबर 9 बहुत होते हैं। नंबर 9 वाले में बहुत एनर्जी होती है और उस एनर्जी का सही दिशा में यूज़ करना चाहिए। दिखने में गुड लुकिंग, बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, लंबे चौड़े, स्मार्ट, जिसे स्मार्ट कह सकते हैं, लड़कियाँ होंगी ब्यूटीफुल, लंबी, मॉडलिंग में भी जाते हैं 9 नंबर वाले, पर इमोशनल होते हैं ये। गुस्सा भी होता है पर इमोशनल भी होता है। वैसे जनरली आपकी बात नहीं मानेंगे, पर आप इनको प्यार से इमोशनली थोड़ा सा अपना दुख दर्द बता के, इनको इमोशंस मिला के थोड़ा सा इनको प्रेशराइज करोगे तो ये आपकी बात मान लेते हैं। जैसे आप कहोगे वैसे करने को तैयार हो जाएंगे। माँ बाप की बात बहुत मानते हैं ये, बहुत ही मानते हैं। माँ बाप ने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। अब शादी के बाद देखना पड़ता है कि इनका अपने बीवी के साथ कैसे संबंध है, क्योंकि गुस्सा होता है, डोमिनेटिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये, तो इसलिए अपनी बीवी को भी डोमिनेट करते हैं ये। तो शादी के बाद थोड़ी इनकी खटपट चलती रहती है, लेकिन इनकी खटपट कमरे से बाहर नहीं आ सकती। बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो की इन्हें प्रॉब्लम होती है। ज़रा सा कुछ कह दिया तो बस दिल पे लग गई। अफेयर्स बहुत करते हैं, बहुत अफेयर्स करते हैं, एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, बहुत दिल फेंक होते हैं और दिखने में भी सुंदर होते हैं, इनकी पसंद भी अच्छी होती है। कई बार ये देखा गया है कि बहुत कपड़ों का स्टाइल इनका, या ये कह लो कि ये जो पहनते हैं इनके ऊपर जच जाते हैं, पर कई बार ये अपने एग्रेशन के कारण, अपने गुस्से के कारण अपनी गृहस्थी ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार इनकी खटपट हो जाती है घर के अंदर। नंबर 9 वाले कितनी पढ़ाई कर ले, बचपन में उनको कितना ही पढ़ा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर उनमें घमंड आ गया, और कई बार ये देखा गया है कि वो बड़े होते होते अपनी उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है, उनके कुछ काम नहीं आती, सब कुछ भूल जाते हैं वो। अगर मंगल बेकार हो तो उनके बोलने के ढंग से आपको उनको देखना चाहिए, बोलते ऐसे हैं जैसे अभी मार ही डालेंगे। अगर किसी की मम्मी 8 नंबर है तो कहेगी टाइम पे खा लो, टाइम पे पढ़ो, टाइम पे सो जाओ, चलो ये सोने का टाइम है सो जाओ, एकदम डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करेंगी। क्योंकि नंबर 9 वाले
प्रिंसिपल की भी जॉब करते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं। अब करते हैं इनकी करियर की बात, क्योंकि करियर में जॉब इन्हें कुछ खासी पसंद नहीं होती, ये व्यापार करने के शौकीन होते हैं। करियर में इन्हें पेट्रोलियम, पेट्रोल जो निकलता है हमारा, खजाने जो होती हैं उनसे, पावर प्लांट, पावर इंजीनियर जो होते हैं, जो ये जिनमें एनर्जी होती है, इन सब की जॉब इनको ठीक रहती है। इनको इंजीनियरिंग में ऐसी जॉब, ऐसी इंजीनियरिंग करनी चाहिए जिसमें एनर्जी हो। पावर स्टेशन हो गए हमारे, इनमें जॉब, पावर प्लांट्स हो गए उनमें जॉब, ये करियर इनके लिए अच्छे रहते हैं। अपनी ही एनर्जी नहीं, बाहर की एनर्जी से भी इन्हें जुड़ना चाहिए, नहीं तो वेस्ट हो जाता है इनका सब कुछ, सिर्फ ये बोलने बोलने के रह जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन इनके लिए बेस्ट रहती है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, ये अपने सीमेंट हो गया, ईंट के भट्टे हो गए, ये सब इनके लिए अच्छे रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाना, प्रॉपर्टी से पैसा निकालना, ये भी इनके लिए ठीक रहता है। लेकिन ये कई बार मैंने देखा है कि गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं, फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं इनको। और ये इनका जो ज़्यादातर फोकस जो रहता है ना, इनका व्यापार की तरफ ही रहता है। जॉब अगर इनके मतलब की होगी, जैसे कि मैंने बताया एनर्जी से जुड़ी हुई, पावर प्लांट हो गए या पावर इंजीनियरिंग हो गई, इस टाइप की जॉब होगी तो उसमें टिकेंगे, वरना ये जॉब में टिकना इनका बहुत मुश्किल है। नंबर 9 है, तो हम मंगल से रिलेट करता है, तो हम मांगलिक कैसे भूल सकते हैं। हालांकि वो अलग टॉपिक है, हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे, और हमारी एक वीडियो है भी इसमें, प्लीज़ आप जाइए और देखिए। तो इनके अंदर मांगलिक का भी, मांगलिक से ये रिलेट करते हैं, वही गुस्सा, वही एग्रेशन, शादी में इनके प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा सा देख के इनकी शादी कीजिए। जो इनके मित्र नंबर्स हैं उन्हीं से कीजिए, इनकी कुंडली मिला के शादी कीजिए, या फिर इनके नंबर पे जो इनकी वाइफ का नंबर या वाइफ का हस्बैंड का नंबर मैच करता हो उससे इनकी शादी कीजिए, जिससे इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रह सके। इनके मित्र शत्रु देखने हैं तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो जाके देखिए, उसमें लिंक में हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ डाला हुआ है। इनके मित्र शत्रु देखने हैं तो वहाँ जाइए, सब देखिए, क्योंकि इनके मित्र शत्रु जानोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कौन सा दिन इनके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है। अब हम इनके करते हैं उपाय की बात। इनको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, लाल रंग का इनको वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, बंदरों को चने गुड़ खिलाना चाहिए इनको। ये अपने घर में एक मिट्टी का बंदर भी रख सकते हैं बना हुआ, वो भी अच्छा रहेगा। तो ये थी मंगल ग्रह की बातें, नंबर 9 वालों की बातें। मैं अभी भी यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे के अंदर एनर्जी है तो उसको स्पोर्ट्स में डालिए, स्पोर्ट्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा करेंगे, उनकी एनर्जी को वहाँ लगाइए, वो देश के कभी नाम रोशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं आपको एग्जांपल भी नहीं दे सकती। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।